तो आप अगर ये बात बोलते हो कि मदरसों की बात करते हो, तो मदरसों में कोई आतंकवाद की ट्रेनिंग नहीं होती। आप मदरसों में जाओ, आप इंस्पेक्शन करो, आपको मदरसों के अंदर भी बच्चे पढ़ते नजर आएंगे। देखिए, आज देश को विकास सिर्फ शिक्षा दे सकती है जी। आज मदरसों में भी शिक्षा दी जाती है। हम कहते हैं आप इतने बड़े बड़े स्कूल खोलो यूपी के अंदर। अभी आपने यूपी के स्कूलों की वीडियो देखी जहाँ पे गायें भैंसे बैठी हुई हैं, बच्चों के बैठने की जगह नहीं। मैं आपको वीडियो दूंगा, आप साथ में लगाना जी। तो आप अगर ये बात बोलते हो कि मदरसों की बात करते हो, तो मदरसों में कोई आतंकवाद की ट्रेनिंग नहीं होती। आप मदरसों में जाओ, आप इंस्पेक्शन करो, आपको मदरसों के अंदर भी बच्चे पढ़ते नजर आएंगे। तो आज सोचने की बात है, आप गुरुद्वारों में जाओ, आपको गुरुद्वारों के अंदर भी आड़ उड़ आपको पढ़ाया जाएगा। तो हर इंसान अपने धर्म को आगे बढ़ाता है और साथ में शिक्षा को आगे बढ़ाता है। तो आप शिक्षा के ग्रंथों को ख़त्म करने की बात कर रहे हो, जो कि संभव नहीं है और ऐसा होगा भी नहीं। केंद्र की सहमति थी 11 आरोपियों को छोड़ना। अरे आप ये बात बताओ, संजीव भट्ट को आपने जेल में भर्ती कर रखा है, मेरी बात को आप समझो। जो इतना बड़ा एक अधिकारी रहा, सरकारी अधिकारी रहा, उस संजीव भट्ट को आपने जेल में डाल रखा है और 11 बलात्कारियों को आप बाहर छोड़ रहे हो, रिहा छोड़ रहे हो, खुला छोड़ रहे हो। तो आज यही था क्या गुजरात मॉडल? हम सवाल करते सरकार से कि यही था गुजरात मॉडल कि बलात्कारियों को बाहर छोड़ो और जो इतने बड़े बड़े IPS अफसर वगैरह हैं, IAS अफसर हैं, उनको उठा के आप जेल में भर्ती करो? तो ये हमारे देश का जो एक कानून है, संविधान है, वो तानाशाही की तरह बदल चुका है। आज ये वो वाली बात हो रही है, जिसकी लाठी उसकी बहन, ये वो हकीकत है, इसमें कोई शक नहीं है।